फ्रेंड्स, अशोक लेलैंड के मंथली बिजनेस अपडेट आ गई है और ये अनुमान से भी काफ़ी बेहतर रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि टोटल सेल्स 13,000 के आसपास आ सकते हैं, तो ये 17,000 से भी ज़्यादा ही है। इसी वजह से मुझे ये आंकड़े बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 2,126 यूनिट अशोक लेलैंड ने बेची थी, उसके सामने 710% बड़ी यानी कि 7 गुना सेल्स बढ़कर 17,231 यूनिट रही। हालांकि साल दर साल देखें तो 20% की गिरावट देखने को मिल रही, क्योंकि जो एक तो अप्रैल में जून में लगभग ये सभी कंपनियां बंद जैसी हालत में पड़ी थी लॉकडाउन की वजह से, तो इस वजह से साल दर साल सेल्स में 20% की गिरावट देखने को मिल रही। मगर फ्रेंड्स, हमें तो लेटेस्ट डेटा ही देखने और आगे आने वाले ट्रेंड कैसा रह सकता है ये इस डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगले आने वाले दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल्स डेटा आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से अब रिजल्ट पर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट इस डेटा का पड़ने वाला है।